हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पर फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल दोनों के लिए इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट है, रीजनिंग का मॉक टेस्ट नंबर 2। वन मैंने ऑलरेडी आपके साथ बहुत ही आप लोगों का कहना था कि ये जो लेवल है वो बहुत नीचे है, तो आप लोग आप क्यों नहीं कर रहे? अगर आप सेटी बना रहे हैं तो आप एक काम कीजिए कि प्रीवियस ईयर का बनाइए। तो देखिए, 2018 में 22 शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं, यानी कि 22 शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं, तो 22 शिफ्ट के रीजनिंग के भी क्वेश्चन पेपर होंगे। तो ये 22 शिफ्ट का जो रीजनिंग का जो एग्जाम हुआ है, वो सारे एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को मैं आपके साथ विद इन 10 डेज में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, 10 डेज के अंदर में इसको कंप्लीट करवा देंगे। बस करना क्या है आपको, कि बस आपको देखना है कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और आपके एग्जाम में अप्रोच क्या होने चाहिए और किस क्वेश्चन को आप कितना जल्दी टैकल कर ले, यही सब चीज आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। और जितने भी आने वाले रीजनिंग के वीडियोस होंगे उसमें आपको यही मिलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आप सभी के लिए, क्योंकि रीजनिंग में अगर आप 10 मिनट के अंदर में सॉल्व कर लिए उस पेपर को, तो डेफिनेटली आपके पास मैथ को बनाने के लिए 30 मिनट टाइम बच जाएंगे और 30 मिनट के अंदर में आप 25 क्वेश्चन आराम से बना लेंगे। अगर रीजनिंग में अगर आप 10 मिनट से ज्यादा टाइम दे दिए, तो ये डायरेक्टली इफेक्ट करेगा आपके मैथ्स के पेपर के लिए, और भी जितने भी पेपर हैं उसको भी आप डायरेक्टली इफेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से बनाना चाहिए, ये सब चीज अब हम लोग सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए कि इन अ कोड लैंग्वेज विक्ट्री को हम लोगों ने लिखा है इस तरीके से, तो ट्रेटर को आप कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए, VICTORY विक्ट्री हो गया। अब इसको कैसे लिखा गया है, CIVSYRO। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि इस फॉर्म को, तो C यहां आ गया है, I सेम जगह पे, V ऐसे आ गया है, यानी कि A जो है यहां आएगा, R अपनी जगह रहेगा और T रहेगा, यानी A और T के साथ स्टार्ट होगा। तो देखिए, रीजनिंग के क्वेश्चन को जो आप जब सॉल्व करेंगे तो इलिमिनेशन मेथड आना चाहिए। तो ए आर टी से स्टार्ट हो रहा है, तो ये इस ऑप्शन का और इस ऑप्शन का क्या काम है? ए आर टी यहां भी है, ए आर टी यहां भी है। थर्ड जो है आपका जे है और फोर्थ आपका एच दिया हुआ है। अब हम लोग को बस देखना है कि फोर्थ में क्या दिया हुआ है, टी, और यहां दिया हुआ है एस, यानी कि इससे एक कम है, यानी कि यहां पर आई दिया हुआ है तो आई से एक कम एच हो जाएगा। तो एच यहां दिया हुआ है, यहां पर जे है, यानी कि ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर फोर जो हो गया, ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, हम लोग को इसी तरीके से तेजी में बनाना है। अगर इस क्वेश्चन को, अगर आप सच बता रहे हैं कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मुश्किल से 2 से 3 सेकंड ही लगेंगे, बस तरीका आपको आना चाहिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है एम्बेडेड फिगर, आपको पता करना है कि ये फिगर जो दिया हुआ है ये किस ऑप्शन में आपको ये मिल रहे हैं। ठीक है, एम्बेडेड का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये आर लिखा हुआ है, अब जैसे कि बहुत सारे फिगर है और उसके बीच में कहीं आर छिपा हुआ है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि ये आर जो है कौन से कहां पर ये मिल रहा है। तो ये जो फिगर आप देख रहे हैं इसी में कहीं ना कहीं ये इम्बेडेड छिपा हुआ है। तो अगर आप पहला ऑप्शन देखेंगे तो ये वाला ऑप्शन में ये ऐसे आया, ये आया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, लेकिन यहां पर ये जो आप देख रहे हैं ये यहां पर नहीं है, यानी कि ये नहीं होगा इसमें। तो ये भी सेम उसी पैटर्न पे है, तो ये भी डेफिनेटली नहीं होगा। ये भी आप देख रहे हैं कि यहां पर ये वाला जो आप साइन देख रहे हैं, ये वाला, ये यहां पर कहीं भी नहीं है। ठीक है, यानी ये भी नहीं होगा। यहां पर ध्यान से देखिएगा, तो ये ऐसे आया, ये फिगर मैच हो रहा है, ये फिगर मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है, और यहां पर ये देखिए ये निकला हुआ है। तो यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इम्बेडेड में ऐसे ही बनाते हैं तेजी से। यहां पर देखिए किस तरीके से ये दिया हुआ है, कि ये जिस तरीके का नंबर सेट है, ये आपको पता करना है कि उसको फॉलो करता हुआ ऑप्शन जो दिए हुए हैं उसमें से कौन सा ऑप्शन होगा आपका। तो यहां देखिए इसको कैसे बनाते हैं, यहां पर देखिए 9 है, 35 है, और यहां पर दिया हुआ है 16। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये है 3 का स्क्वायर, ये है 4 का स्क्वायर, और यहां पर दिया हुआ है 35, यानी 3 के जस्ट बाद 4 आया हुआ है, 4 से जस्ट एक कम 3 आया हुआ है। यहां देखिए ये है 4 का स्क्वायर, ये है 8 का स्क्वायर, यानी कि ये जस्ट या तो ना तो 5 है और ना ही आपको 3 है, तो ये नहीं होगा। यहां पर 6 है और यहां 5 है, यहां 6 का स्क्वायर है, यहां 5 का स्क्वायर है, तो ये देखिए इससे एक ज्यादा है, कम भी है। ठीक है, यहां पर 9 का स्क्वायर है, यहां पर 6 का स्क्वायर है, तो ये नहीं हो पाएगा। ये 5 का स्क्वायर है और यहां 2 का स्क्वायर है, ये भी ना अरेंजिंग में है और ना ही डिसेंडिंग में है। ठीक है, लेकिन यहां पर 6 और 5 जो है दोनों सेम है, तो यानी कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यह स्टेटमेंट और कंक्लूजन का है,
क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऑल रूलर्स आर मशीन, ये मशीन का फिगर बन गया। सम मशीन्स आर कॉस्टली आइटम, तो सम मशीन जो है ये क्या है, कॉस्टली आइटम। कंक्लूजन देखिए कि सम रूलर्स आर कॉस्टली आइटम, सम रूलर्स आर कॉस्टली आइटम। रूलर्स जो है वो तो यहीं तक है और यहां कॉस्टली आइटम है, यानी ये दोनों नहीं मैच कर रहा है, तो यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। सम कॉस्टली आइटम्स आर मशीन, सम कॉस्टली आइटम्स आर मशीन, ये पूरा मशीन है और इसमें जो सम है ये ऑब्वियसली बात है कि यह मशीन के कुछ पार्ट्स में है, तो यानी कि ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। ऑल कॉस्टली आइटम्स आर मशीन, अब ये यहाँ है कॉस्टली आइटम पूरा और मशीन यहाँ है, इसके अंदर में तो कॉस्टली आइटम नहीं ना है, तो यानी कि ये नहीं होगा, ये बाहर में, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर टू हो जाएगा। ठीक है, ओनली कंक्लूजन टू आर फॉलोज। नेक्स्ट देखिए ऑड वन आउट है, तो ऑड एंड ऑड वन आउट में कैसे बनेंगे, जैसे देखिए जी एच आई जे सेम सिक्वेंस में है, सी का होता है 3, एफ का होता है 6, आई का होता है 9, एल का होता है 12। देख रहे हैं तीन बढ़ा, तीन है सही है। एम का होता है 13, ओ का होता है 15, क्यू का होता है 17, एस का होता है 19। यहां पर दो बढ़ा, दो दो, यानी भी सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है। P का होता है 16, S का होता है 19, U का होता है 21, X का होता है 24। यहाँ देखिए यहाँ तीन बढ़ा, यहाँ दो बढ़ा, यहाँ पर तीन बढ़ा, यहाँ तीन, यहाँ दो, यहाँ पर तीन, तो ये सीक्वेंस है सेम नहीं है, क्योंकि ये डिफर कर रहा है, तीन है दो है, तो यानी कि ये आपका ऑड वन आउट हो गया, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। यहाँ देखिए कि ये जिस तरीके का दिया हुआ 36, 84, तो ये किस तरीके से रिलेटेड है, सेम इसी तरीके से आपको इन सारे ऑप्शंस में, तो यहां देखिए 36 है और यहां आपका 84 दिया हुआ है, तो 36 को अगर आप छोटा करेंगे इसका रेशियो का लास्ट कितना आएगा, तो यहां आएगा 18, यहां आएगा 42, दो से कट किए, तीन से कट किए तो 6, और यहां आ गया 14, दो से कट किए तो 3, और ये आ गया 7, यानी कि इसका रेशियो है आपका 3:7। अब जब ब्रेक करेंगे आप 721 को और 51 को, तो इसका रेशियो क्या आएगा, 37 जा और 17 3 जा 51, तो ये तो 37 का रेशियो नहीं है, 9 3 जा 27 और 9 7 जा 63, तो ये तो यहीं से निकल गया आपका 37, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, थोड़ा सा देखिए ये थोड़ा सा आप अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखने की जरूरत है। ऐसे दिया हुआ कि इन अ फैमिली ऑफ 8 पर्सन, 8 पर्सन का कोई फैमिली है, वहां पर क्या है, दो कपल्स हैं, यानी कि दो कपल्स का मतलब क्या हो गया, एक कपल ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, दो कपल ये हो गया, चार आदमी यहां हो गया। इच हैविंग टू चिल्ड्रेन, अब दो चिल्ड्रेन इन लोगों के पास है, ठीक है, ये दो चिल्ड्रेन हो गए, तो चार यहां हो गया, चार यहां हो गया, दो चिल्ड्रेन, दो दो चार, दो दो चार, ठीक है, आठ हो गया टोटल। बी एंड डी आर ब्रदर्स, बी और डी ब्रदर्स है और इच हैज टू चिल्ड्रेन, तो ब्रदर्स हैं और उनके दो चिल्ड्रेन हैं, तो ऑब्वियसली बात है यहीं पर आएगा और इनका दो चिल्ड्रेन, यहां पर भी डी है उसका दो चिल्ड्रेन, ठीक है। अब देखिए जब यहां हम लोग कर लिए, ये बी है, सॉरी डी है ना, ये डी है, अब यहां क्या है कि अब हम सबसे पहले तो ये, अब बहुत लंबा अगर स्टेटमेंट दिया हुआ है ब्लड रिलेशन में, तो सबसे पहले तो फाइंड आउट करेंगे कि जो इससे रिलेटेड कोई और दिया हुआ है क्या उस क्वेश्चन में। तो देखिए ई इज द आंट ऑफ ए, Who is the cousin brother of C? C is the sister of H. Who is the cousin brother of G? और F is the wife of B. तो F जो है ये wife है किसका, B का, तो F plus हो गया यानी कि male है और इसकी wife हो गई F. यहाँ पर D male है, इसकी wife कौन है, ये हमको देखना है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं हम लोग कि E is the aunt of A. तो E अगर aunt है A का और यहाँ पर one generation है, तो E obviously बात है aunt यहाँ हो जाएगी और किसकी है, तो A की है, ठीक है, ये दोनों। अब बी और डी ब्रदर है तो ऑब्वियसली बात है कि जो इस जो डी की जो वाइफ होगी ये ए की आंटी होगी ना, तो ए यहाँ हो गया और ए के बारे में लिख रहा है हु, ए के बाद अगर हु दिया हुआ है यानी किसी के भी बाद अगर हु दिया तो उसी के बारे में कहता है कि हु इज द कजन ब्रदर ऑफ सी, तो ए जो है ये कजन ब्रदर है किसका, सी का है, ठीक है। सी इज द सिस्टर ऑफ एच, सी जो है सिस्टर है किसका, एच का है। H, who is the cousin brother of G? तो H क्या है, cousin brother है किसका, G का, तो ये आपका फिगर बन गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि how is H related to F? H जो है F का क्या लगेगा, कैसे related है, तो obviously बात है कि ये
चाचा का बेटा है तो भतीजा ही लगेगा, यानी कि नेफ्यू, तो नेफ्यू आपका राइट आंसर। अब यहां पर ऑप्शंस में सन की जगह नीसेस होता तो यहां पर फिर कंफ्यूजन आ जाता, तो बहुत लोग नीसेस में भी टिक मार देते। क्यों मारते? क्योंकि उनको लगता कि यहां पर अगर प्लस माइनस का अगर वो चक्कर नहीं, वहां पर अगर घूम जाते, मतलब उनको समझ में नहीं आता कि ये मेल है या फीमेल है, तो नीसेस में टिक मार दे। इसीलिए आपको ध्यान देना है कि कौन मेल है कौन फीमेल है, और ब्लड रिलेशन में थोड़ा सा टाइम दीजिए अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो। 30 सेकंड भी अगर आपके लग रहे हैं, 1 मिनट भी लग रहे हैं, इनफैक्ट तो कोई दिक्कत नहीं है। 25 क्वेश्चंस में से 4-5 ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां पर 30 सेकंड से 1 मिनट के बीच में आपको टाइम लगेंगे, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो 5 सेकंड के अंदर में भी बन जाएंगे, तो उसका चिंता नहीं करना है। तो इसका आंसर क्या होगा? नेफ्यू होगा। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है। यहां पर दिया हुआ है कि जैसे कि बुक थेसरस से रिलेटेड है, अब उसी प्रकार से ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कौन सा रिलेटेड होगा। यहां दिया हुआ है ना कि वर्ड पेयर है और आपको बताना है कि किस तरीके से वो रिलेटेड है सेम वे में। तो बुक के अंदर जो है, थेसरस का मतलब होता है कोश, यानी शब्दकोश। तो बुक के अंदर जो है शब्दकोश होते हैं। तो टेनिस के अंदर क्या बॉल होते हैं? नहीं। रेप्टाइल के अंदर पाइथन होता है? तो यस। फर्नीचर के अंदर उड होता है? नहीं, क्योंकि उड के अंदर फर्नीचर होता है। ये भी ध्यान देना है कि उड के अंदर फर्नीचर होता है। तो पहला है कि बुक, वो चीज दिया हुआ है जो उसके अंदर में है, तो उसके बाद वाला चीज उसके अंदर में है, यानी कि ये जो है ये इसके अंदर में है। तो बॉल इसके अंदर में नहीं आएगा, पाइथन हाँ रेप्टाइल के अंदर में आएगा, लेकिन उड जो है फर्नीचर के अंदर में नहीं आएगा, उड के अंदर में फर्नीचर आएगा। और यहां दिया हुआ है ट्री और यहां दिया हुआ है फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट के अंदर में ट्री आएगा, यानी ट्री के अंदर में फॉरेस्ट नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है कि यहां पर पूछ रहा है कि हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। आपको बताना है कि इस फिगर में स्क्वायर कहाँ है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 4 जून 2019 में पूछा गया पेपर है, जो कि 2018 के सीजीएल में पूछा गया था ये पेपर, और यहाँ पर बहुत टफ लोग कह रहे थे कि टफ पेपर आए हैं। तो आप देखिए कि किस तरीके से कितने मतलब ये वाकई में टफ है या आप में कहीं कोई प्रॉब्लम था अप्रोच में जो आपने टाइम लगाया। अब हमको देखिए काउंटिंग फिगर है, तो माइंड आपका पहले से सेट होना चाहिए कि अगर काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन आएगा तो हमको 30 सेकंड का टाइम देकर बहुत अच्छे तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर स्क्वायर है तो पहला स्क्वायर ये हो गया, दूसरा स्क्वायर ये हो गया, तीसरा स्क्वायर ये हो गया, चौथा स्क्वायर ये हो गया, और ये पूरा जो है ये हो गया आपका 5 स्क्वायर। ठीक है, जब यही फिगर यहाँ पे दिया हुआ है तो 5 यहाँ भी फिगर हो गया, यानी टोटल तो 10 हो गया अभी तक। ये वाला फिगर आप देखिए, ये वाला फिगर ये हो गया 11, ये हो गया आपका 12। ठीक है, 12 हो गया। यहां पर देखिए ये वाला फिगर यहां पर दिया हुआ है, ये हो गया आपका 13, और ये टोटल बड़ा सा स्क्वायर ये हो गया आपका 14। यानी टोटल आपके 14 स्क्वायर फिगर है जो कि यहां पर दिया हुआ है ऑप्शंस में, जो कि राइट आंसर होगा। बहुत लोग क्या करेंगे कि 16 में भी टिक मार देंगे, उनको लगेगा कि 14 तक तो मैंने काउंट कर लिया, अब हो सकता है कि एक दो ऐसा फिगर होगा जो मेरे से मिस हो रहा होगा, तो वो 16 में टिक मार देंगे, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि लॉयर इज रिलेटेड टू जस्टिस, तो ऑब्वियस ये बात है कि लॉयर जो है वो जस्टिस दिलाता है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि आर्बिट्रेटर जो है वो किससे रिलेटेड है। तो देखिए जो कोर्ट के जो कोर्ट में जो केस लड़ते हैं उसको हम लोग लॉयर बोलते हैं, और आर्बिट्रेटर हो गया लोकल जज, ठीक है, जो कि मध्यस्थ उसको हम बोलते हैं, कि जैसे कि दो लोगों के बीच में कोई अगर मामला फंसा हुआ है तो कोई थर्ड पार्टी आएगा और उस मैटर को सेटल करेगा वो। तो ऑब्वियस से बात है कि सेटलमेंट करेगा, आर्बिट्रेटर किससे रिलेटेड होगा? तो सेटलमेंट से रिलेटेड होगा, तो ये आपका राइट आंसर होगा। जजमेंट तो वो देगा नहीं, कम्युनिकेशन तो करेगा नहीं, इनजस्टिस तो करेगा नहीं, तो करेगा क्या? सेटलमेंट करेगा। नेक्स्ट देखिए यहां पर दिया हुआ है कि ये जो सेट दिया हुआ है, सेट इन विच द नंबर आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर ऑफ द फॉलोइंग सेट, तो 3 है, 24 है और 4 है। ये कैसे आपको दिया हुआ है, ये सेट किस तरीके से रिलेटेड है? तो 3, 24 और 4 दिया हुआ है। तो आप देखिए 3, 4 जा कितना होता है? 12 होता है, और 12 का डबल करेंगे तो कितना आएगा? 24 आएगा। तो ये आपका सेट मिल गया सीरीज। अब देखिए 8, 2 जा 16, 16 का डबल क्या आता है? 32, लेकिन यहां तो 30 है, ये नहीं होगा। 12, 4 जा कितना होता है? 48, 48 का डबल 96, ये नहीं होगा। 4, 9 जा कितना होता है? 36, 36 का डबल कितना होता है? 72, ये आपका राइट आंसर। 11, 6 जा कितना होता है? 66, तो ये तो होगा ही नहीं। अब नेक्स्ट देखिए यहां दिया हुआ है कि आपको सिलेक्ट द फिगर दैट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। यहां पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आपसे पूछ रहा है। अब देखिए यहां पर 2 लाइन है, यहां भी 2 लाइन है, ठीक है, और ये देखिए ये लाइन ऐसे है और इस सेकेंड वाले फिगर में ऐसे दिया हुआ है, यानी कि ये इसका मिरर का क्वेश्चन आ गया ये।
अगर आप मिरर में जाएंगे तो ये फिगर जो है, अगर आप मिरर में ऐसे मिरर में देखेंगे तो ये फिगर ऐसे बनेगा। थर्ड में दिया हुआ है कि तीन लाइन है, यहां भी इसका मिरर तीन लाइन है, तो ऑब्वियसली बात है कि इस वाले क्वेश्चन में ऐसे 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 चार लाइन आएंगे, और यहां पर एक लाइन ऐसे है, यहां पर दो है, तो यहां पर तीन आएंगे। अब तीन कहां है, कहीं देखिए यहां पर एक दो तीन चार ये नहीं होगा, एक दो ये नहीं होगा, एक दो तीन, और यहां पर दो ही लाइन है तो ये नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर फोर, ऑप्शन नंबर फोर देखिए, एक दो तीन चार भी दिया हुआ है और एक दो तीन लाइन भी दिया हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, इसमें बहुत लोग गलती भी करते हैं, कैसे बनता है वो देखिए। अंकल है, रिलेटिव से रिच है, इसको हम किस तरीके से फिगर में लिख सकते हैं? तो देखिए अगर आपको बोले कि ये हो गया इंडिया, और इंडिया हो गया और यहां पर उसके अंदर में मुंबई, तो ऑब्वियसली बात है कि इंडिया का ये हम लेंगे पूरा, और इंडिया के अंदर में ना मुंबई आएगा। तो यहां पर अंकल है, रिलेटिव है, तो आप देखिए कि रिलेटिव ये हो गया और रिलेटिव के अंदर में ही ना अंकल आएंगे, ठीक है। और यहां पर अब ये वाला फिगर कहां पे मिल रहा है, ये तो है नहीं, ये है लेकिन ये नहीं है, ये तो कट गया। इलिमिनेशन तो आपको आना ही चाहिए, रीजनिंग का सेट बना रहे हैं तो। अब इन दो फिगर में से कौन होगा? अब देखिए रिच दिया हुआ है, तो अगर आप देखेंगे कि अब रिच के बारे में अगर बोले तो अंकल भी रिच हो सकते हैं और रिलेटिव भी कुछ रिच हो सकते हैं, तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है। लेकिन अगर इस फिगर में देखें तो ये सिर्फ रिलेटिव को रिच में डाला है, तो फिर अंकल के बारे में आप कैसे बोल सकते हैं कि वो रिच है या नहीं है? सब में तो जरूर आप डाल सकते हैं, तो ये नहीं होगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहां पे देखिए ये हो गए अंकल, उसके अंदर में आ गया, सॉरी ये हो गए रिलेटिव्स, ये हो गए अंकल, और रिच की जहां तक बात रही तो कुछ अंग रिलेटिव भी रिच हो सकते हैं और कुछ अंकल भी रिच हो सकते हैं, तो ये ज्यादा सही है। अगर हम ये फिगर को ऐसे बताएंगे कि नहीं सिर्फ रिलेटिव ही रिच है और अंकल के बारे में आप नहीं कुछ कह रहे हैं, तो कैसे कह सकते हैं? हाँ आप पूरा नहीं कह सकते, लेकिन सम में तो आप कह सकते हैं, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें दिखा हुआ है कि अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर, आपको सजाना है किस तरीके से मीनिंगफुल ऑर्डर में। तो बाई है, डिनर है, मार्केट है, वेजिटेबल है, कुक है, इसको तो पढ़ते ही समझ में आ गया कि पहले हम जाएंगे कहां, मार्केट जाएंगे, मार्केट में जाएंगे तो पहला तो मार्केट ही आना चाहिए। देखिए मार्केट वाला कितना नंबर में है, तीन नंबर में है, तो यहाँ पे तीन, देखिए यहाँ पे तीन है और एक तीन यहाँ पे है, यानी कि ये वाला तो होगा नहीं, ये वाला होगा नहीं। मार्केट के बाद नंबर फाइव दिया हुआ है, तो मार्केट जाएंगे तो क्या हम कुक करेंगे मार्केट में जाके? नहीं, ऑब्वियसली बात है कि यहाँ फोर दिया हुआ है, फोर यानी कि मार्केट जाके हम वेजिटेबल्स लाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स के बाद हम क्या करेंगे, वेजिटेबल्स यानी कि मार्केट गए, वेजिटेबल्स को खरीदे हम, उसके बाद खरीदने के बाद हम क्या किए, कुक किए, और कुक के बाद क्या किए हम, डिनर बना, डिनर हम लोग कर लिए, ठीक है। तो ये आपका अप्रोप्रिएट सिक्वेंस में है। अब देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन होता है, इसको कैसे बनाते हैं उसको देखिए। बी हो गया डैश, बी ए सी, सॉरी बी ए बी डैश, बी सी डैश, ए बी बी बी, ठीक है, ए बी बी बी, फिर हो गया डैश बी ए डैश बी। अब इसको कैसे बनाते हैं, मेरा अपना मेरा जो मेरा तरीका वो मैं आपको बता रहा हूं। इसे कि सबसे पहले तो मैं काउंट कर लेता हूं उसको कितना दिया हुआ है, तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह एटीन दिए हुए हैं, तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा तीन तीन में। जैसे कि अगर आपको एटीन दिया हुआ है, चाहे आपका सिक्सटीन दिया हुआ है, चाहे फिफ्टीन दिया हुआ है, तो उसको एक अच्छे नंबर में इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो तीन तीन के पार्ट में इसको डिवाइड कर दिए, तीन तीन के पार्ट में अगर डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे कहीं पे कोई तीन पार्ट में फुल कर रहा है, तो यहां देखिए ए डबल बी फिल कर रहा है, तो हम देखेंगे कि ए है, फिर यहां पर बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर ए डबल बी हो गया, अब देखिए ये ए डबल बी हो गया, ए डबल बी हो गया, फिर यहां भी हम बी पुट कर देंगे, ए डबल बी हो गया। अब देखिए बी डैश बी है, बी डैश बी सी डैश है, और यहां पर बी डैश बी है, तो यहां पर हम क्या बैठा सकते हैं, तो यहाँ पे बी सी कर सकते हैं, बी सी है, बी हो गया और बी सी बी हो गया, तो बेसिकली हम लोग का ये पेयर हो गया, बी सी बी ए डबल बी, बी सी बी ए डबल बी, बी सी बी ए डबल बी, यानी क्या है, सी हो गया, बी हो गया, बी हो गया, सी हो गया, बी हो गया, ये कहां दिया हुआ है, तो ये आपके दिया हुआ है टू नंबर में, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां दिया हुआ है कि जैसे कि सी ई जी आई ए जी ई के, अब उसी तरीके से डी एफ एच जे, अब यहां पर क्या होगा, तो सी के बाद क्या है, दो कम ए है, ई e से दो ज्यादा जी है, जी से दो कम ई e है, और आई से दो ज्यादा के है। उसी तरीके से डी से दो कम क्या आएगा, बी आएगा, अब बी कहां है, यहां नहीं है, यहां नहीं है,
फिर f से दो ज्यादा क्या आएगा, h आएगा। यहां h है, यहां नहीं है, यहां पे h है, तो यानी कि ये आंसर। इतना में टिक मारेंगे, आगे निकल जाएंगे हम लोग। अब ये फिर एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 की 1875 इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी सी इन सच ए वे दैट ए सी ए शेयर इज हाफ ऑफ द कंबाइंड शेयर ऑफ बी सी। तो सबसे पहले देखेंगे कि ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। ए बी सी तीन पार्टनर है, ए का जो शेयर है वो हाफ है कंबाइंड शेयर बी और सी का, यानी बी सी को जितना भी मिल रहा है उसका हाफ ए को मिलता है। तो बी सी को अगर हम 2x मान लेते हैं तो ए को x मिलेगा। फिर कह रहा है कि बी शेयर इज 1/4 ऑफ द कंबाइंड शेयर ऑफ ए सी, यानी कि यहां कह रहा है कि ए सी को जितना मिलेगा उसका 1/4 बी को मिलेगा। तो ए सी को मानते हैं कि 4x मिलेगा, तो बी को x मिलेगा। अब देखिए कि भले किसको कितना भी मिले लेकिन टोटल अमाउंट तो सेम होना चाहिए। यहां पर टोटल अमाउंट देखिए कितना है, यहां पर 3 है और यहाँ कितना है, यहाँ 5 है, यानी कि इसको हम इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। अब टोटल अमाउंट तो सेम हो गया, यानी यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी, सॉरी, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर आपको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 और 10 15 हो गया। अब यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किए तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 3। यानी मोटा मोटी देखिए किसको कितना मिला, ए बी और सी। ए को मिला है 5, बी को मिला है 3, 5 3 8, और सी को मिला है 7। ठीक है, अब देखिए 15 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 15 का वैल्यू दिया हुआ है 1875, यानी एक का वैल्यू कितना हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो 15 1 15, 15 2 30, 15 5 75, यानी 125 आ रहा है एक का वैल्यू। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि बाई वाट अमाउंट इज सी शेयर मोर देन डेट ऑफ ए शेयर। सी का शेयर जो है वो ए के शेयर से कितना ज्यादा है। तो सी का जो है 7 है और ए का 5 है, यानी दो ज्यादा है सी का शेयर। तो यानी कि एक का वैल्यू 125 है तो दो का वैल्यू कितना आएगा, 250, यानी 250 इज द आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। विच टू साइन शुड बी इंटरचेंज इन द फॉलोइंग इक्वेशन टू मेक इट करेक्ट। किस दो साइन को आप अगर चेंज करते हैं तो आपका जो इक्वेशन है वो करेक्ट हो जाएगा, या प्लस और माइनस को चेंज करेंगे तो ये इक्वेशन करेक्ट आ जाएगा। देखिए अब जैसे प्लस माइनस दिया हुआ है तो यहाँ पर वैल्यू आपको डालना ही पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा ही लगेगा आपका, 30 सेकंड मान के चलिए लगेगा। तो प्लस की जगह हम माइनस करेंगे और माइनस की जगह हम प्लस करेंगे, तो क्या ये सेम हो रहा है इक्वेशन। तो आप देखिए 12 बिट कितना होता है, सॉरी यहाँ पर बोर्ड मास लगाएंगे हम लोग, 12 × 9 / 3 है, तो 3 3 9 हो जाएगा, 12 12 9 36 हो जाएगा। और यहां देखिए 12 + 8 − 36, तो यहां हो जाएगा 20 16, नहीं ये नहीं होगा, सेकंड वाला पे वैल्यू कीजिए पुट। 12 हो गया, प्लस और डिवाइड को हम अगर चेंज करते हैं तो 12 8 12 9 3 और इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। प्लस की जगह पे हम डिवाइड का साइन रखेंगे, तो यहां पर तो माइनस एज यूजुअल रहेगा, प्लस की जगह हम डिवाइड रखेंगे, यहाँ इंटू रहेगा और डिवाइड की जगह पे हम प्लस रखेंगे। अब देखिए तो 12 − 8 / 12 × 9 + 3, 3 3 9 3 4 12 4 2 8, ये कितना हो जाएगा, 3 2 6, 12 में से 6 जाएगा तो 6 + 3 = 9। तो ये इक्वेशन को पुट किया, हाँ, तो यानी कि 2 आंसर आपका सही है। अब देखिए यहां पर दिया हुआ है कि इफ डी आई जी इज कोडेड एज 25, कट इज कोडेड एज 49, तो किक को हम कितना, किसका वैल्यू क्या आएगा। तो देखिए डी का वैल्यू कितना आता है, 4, इसलिए आपको बोलते हैं कि प्लेस वैल्यू याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। सीधे आप देखेंगे डी का प्लेस वैल्यू 4, आई का प्लेस वैल्यू 9, जी का प्लेस वैल्यू 7। तो 7 4 11, 11 9 20, यानी 20 में अगर 5 जोड़ते हैं तो 25 आता है। फिर C का हो गया 3, U का हो गया 21 और T का हो गया 20, यानी ये हो गया 23, यानी कि 24 हो गया और प्लस 20 यानी 44, और 44 में अगर 5 जोड़े तो ये यहां पर आ गया 49। उसी तरीके से किक का होता है 11, 11, 22, 22 और 3 कितना हो गया 25, और 25 और 9 कितना हो गया 34, और 34 में हम 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 39, तो ये आपका 39 राइट आंसर। तो इसको हम ऐसे बनाएंगे। अब देखिए पेपर फोल्डिंग के लिए ना आप इतना प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए कि आपके दिमाग में ही कैलकुलेशन होने लगे और इमेज बनने लगे उस फिगर का। सबसे पहले देखिए कि ये एक पेपर है,
और इसको फोल्ड, ये जो एरो देख रहे हैं ना, इसका मतलब हो गया कि ये यहां से कट किया गया है और इस पेपर, जो ये रिमेनिंग पेपर बच गया उसको यहां पे चिपका दिया गया है। और जब ये कट के यहां आ गया तो फिर इसको यहां से कट किया है और इसको यहां रखा है और इसको यहां रखा है, और तब ये फिगर को यहां से ऐसे 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 कट कर दिया गया है। तो जब आप पेपर खोलेंगे, ये सब दिमाग में ही होना चाहिए कि जब पेपर खोलेंगे तो ये ऐसे बनेगा, यही फिगर इधर जाएगा, यही फिगर इधर जाएगा, इसे ये फिगर यहां आएगा, यही फिगर जब पेपर खुलेगा यहां आएगा और यहां आएगा। अब ये वाला देखिए कि यहां पर, अब देखिए ये वाला फिगर इसको देखिए, अब यहां पे ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये तो कट होगा ही होगा, लेकिन यहां नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या किया है कि स्क्वायर डाल दिया, ये तो कभी भी नहीं होगा क्योंकि ये इस टाइप से कटा गया तो ये खुलेगा तो ये ऐसे में ही आएगा, यानी कि इस फिगर में आएगा, यानी कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये पूरा अप्रोप्रिएट है इस तरीके से फिगर। देखिए ये फिगर ऐसे कटा हुआ था, यही कट के यहाँ आया, यही कट के वहां गया, यही कट के यहाँ आया, तो ये फिगर आपका बन गया, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां दे रहा है क्वेश्चन नंबर 21 में कि थ्री ऑफ द फॉलोइंग फोर आर अलाइक, पिक द नंबर डेट इज डिफरेंट, डिफरेंट यानी ऑड वन आउट है। तो इसमें देखिए कौन ऑड वन आउट है, तो यहां पर कैसे बनेगा। अब इसको अगर हम पहले नजर में देखिए तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125, 125 में 1 जोड़े तो 126, 6 का क्यूब कितना होता है 216, 216 में 1 जोड़े कितना आया 217 आया, लेकिन यहाँ पे 189 है, यहाँ पे क्यूब का कहीं कोई चर्चा ही नहीं है, मतलब नहीं होगा। 260, 254 भी क्यूब का कोई सीक्वेंस नहीं, यानी कि क्यूब वाले प्रोसेस से ये नहीं बनेगा, यानी इसके लिए कुछ और प्रोसेस हमको लगाना पड़ेगा। तो देखिए 628 एक 9 आया, 729 एक 10 आया, 891 10 और एक 18 आया, यहाँ पे 549 और 211 आया। तो हम देख रहे हैं इतना तो समझ में आ गया कि ये हमारा प्राइम नंबर है, ये भी कट है, ये भी प्राइम, ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है, लेकिन 3 से तो कट हो जाएगा ना, लेकिन ये किसी से कट नहीं होगा, ये प्राइम नंबर है, तो यानी कि 254 राइट आंसर होगा। तो ऐसे आपको अप्रोच लगाना होगा, ठीक है। अब देखिए डाइस का क्वेश्चन, देखिए अब यहां पर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि इफ टॉप विच नंबर विल बी एट द टॉप इफ 6 इज एट द बॉटम, यानी कि 6 के अपोजिट में कौन होगा, ये आपको बताना है। यहां देखिए समझिए एक चीज, मैंने आपको लास्ट जो मॉक टेस्ट में आपको बताया था कि जब अगर दो डिजिट, जैसे कि मान के चलिए कि ये एक डाइस है, यहां पे दिया हुआ है 2, यहां दिया हुआ है 3, यहां दिया हुआ है 4, और फिर ये एक डाइस हो गया, ये दिया हुआ है 2, ये दिया हुआ है 3, ये दिया हुआ है 5। तो यहां पर दो डिजिट अगर सेम होता है तो जो रिमेनिंग पार्ट बचता है वो उसका अपोजिट होता है, ठीक है। ये तो पहला हो गया डाइस का निकालने का। दूसरा में क्या होता है इसको भी समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और इसको ही बोलते हैं अच्छा क्वेश्चन, और इस प्रोसेस को पता होगा तभी आप बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बना पाएंगे, लगाते रहेंगे दिमाग नहीं बनेगा। यहां देखिए जब भी डाइस को अगर आप जोड़ेंगे, जैसे 617, अगर किसी डाइस का अगर 3 प्लेस वैल्यू जैसे दिया रहता है, 561 दिया हुआ है, अगर आप किसी दो को जोड़ेंगे और अगर आपका जो एडिंग है वो अगर 7 आ गया, तो बस 7 आ गया तो बनाने का तरीका भी चेंज हो जाएगा। दो नंबर अगर सेम दिया हुआ है तो अभी बताएं कैसे बनेगा, लेकिन अगर किसी दो को जोड़ने पे अगर 7 आ गया तो बस, जैसे कि यहां पर 7 आ गया, अब आपको कैसे बनाना है, अब आपको पहला स्टेप होना चाहिए कि इन दोनों में तीनों में कॉमन क्या है, तो 1 कॉमन है तो पहले लिखेंगे 1, उसके बाद कौन सा आया 5, उसके बाद आया 5, राइट से घूमेंगे, फिर यहां पे कितना आया 6 आया, यहां लिखेंगे 6, यहां पर कॉमन कहां है 1, तो 1 के नीचे 1 लिखेंगे, इसके बाद क्या आया 3 आया तो यहां लिखेंगे 3, 3 के बाद क्या आया 2 आया, यानी कि 6 का अपोजिट 2, 5 का अपोजिट 3, जो रिमेनिंग बच गया 1 का अपोजिट कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब समझ गए आप, तो यानी कि आपसे पूछ रहा है 6, तो 6 का अपोजिट क्या होगा 2 होगा, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम बना रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, अब ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है तो ये तो देखते ही बन जाना चाहिए, 3 7 16 35 -153, तो 3 2 6 + 1 7 2 14 + 2 16 2 32 + 35 35 × 2 70 + 4 74 74 राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अब देखिए यहां पर मिरर इमेज, एक चीज समझना है कि मिरर इमेज दिया हुआ है तो मतलब कि इस तरीके से हम जज करेंगे, जैसे जो फिगर यहां दिया हुआ है
उसको हम यहां पर बन के हमारा ऐसा आ जाएगा। वाटर इमेज दिया होगा तो ऐसे देखेंगे, जैसे कि अगर कोई चीज ये ऐसे दिया हुआ है तो ये फिगर ऐसे बनेगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए मिरर इमेज है, यानी कि यहां पर हम ऐसे लाइन रखेंगे और इस फिगर को इमेज करेंगे कि ये कैसे बनेगा, यानी कि ये जो फिगर है ये इस तरीके से ही बनेगा, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ये सब जो लाइन है यहां पर, लाइन जो देख रहे हैं ये इस तरफ से बनेगा, तो ये इस तरफ से बना है, नहीं बना है तो ये नहीं होगा, ये इस तरफ से बना है तो नहीं बना है, यानी कि फिगर में फॉल्ट है। लेकिन ये फिगर देखिए आप, ये इस तरीके से इधर से बना हुआ है और ये सेम फिगर वही है, यानी कि टू आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस ऐसे बनाते हैं तेजी में। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए कि जैसे कि ये फिर वही है, वर्ड ऑड वन आउट है। अब देखिए ग्राउंड नट है, क्यूमिन है, फेनल है, मस्टर्ड है। अब आप देखिए ग्राउंड नट का मतलब क्या हो गया, मूंगफली। कमिन का मतलब क्या हो गया, जीरा। फेनल का मतलब क्या हो गया, सौंफ, जो सौंफ नहीं खाते हैं हम लोग, रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सौंफ और मिश्री देता है खाने के लिए आपको, और कुछ बच्चे लोग क्या करते हैं उसको नैपकिन में रख लेते हैं और ले आते हैं घर पे, भी खाते हैं बाद में। मस्टर्ड हो गया। एक चीज तो समझ में आ गया कि ये सभी जो है कुकिंग के काम में आते हैं, सौंफ का काम, मस्टर्ड तेल हो गया, कुमिन जीरा का काम, लेकिन ग्राउंड नट मूंगफली होता है, मूंगफली खाने के काम में आता, तो यहां से ये ऑड वन आउट हो गया, यानी कि ये अलग है कुछ, ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चंस जो हो गए आपके 4 जून के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर हो गए, और आपको बताना है कमेंट करके कि इसमें से कितने आपको ऐसे क्वेश्चन लगे हैं जो कि थोड़ा सा आपको टफ लगा है या आपको बनाने में टाइम लगे हैं, और जो ये सीरीज मैं स्टार्ट किया हूं आपके लिए ये आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। कि मतलब अगर एक बच्चे को भी बेनिफिट हो रहा है, मेरा उसी से मेन मोटिव वही है, ठीक है। ज्यादा बच्चे को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं, अगर एक बच्चा देख के भी ये कह दे कि सर मैंने आपका ये पूरा वीडियो देखकर अब मैं मॉक टेस्ट में जो बनाता हूँ रीजनिंग का सेट और मेरे को 6 से 7 ही मिनट का टाइम लगता है, मैं सारा क्वेश्चन सोल्व कर देता हूँ, बहुत ज्यादा मोर देन इनफ है मेरे लिए अप्रिसिएशन के मामले में, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, 4 जून के जो सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसके एग्जाम क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।